सलमान खान बने तेहरान के सुल्तान, जीते इतने सारे अवार्ड्स, आपका स्वागत करते हैं बॉलीग्राड के गलियारे में। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाली सलमान खान की फिल्म सुल्तान ने तेहरान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल में अपना परचम लहराया है। फिल्म को इस फिल्म समारोह में 3 पुरस्कार मिले हैं। एक रेसलर की धांसू और इमोशनल कहानी पर बनी अली अब्बास जफर निर्देशित सुल्तान को तेहरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जबरदस्त सराहना मिली है। फिल्म को 3 अवार्ड लॉन्ग नैरेटिव सेक्शन में मिले हैं। सलमान खान को इस फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी के साथ मानद डिप्लोमा दिया गया है। अनुष्का शर्मा बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है, जबकि अली अब्बास जफर बेस्ट डायरेक्टर। सुल्तान को मिले इस सम्मान पर निर्देशक अली अब्बास ने कहा है कि सुल्तान ने सांस्कृतिक और भाषा की सीमा से परे जाकर एक दमदार स्टोरी बताई है। इस कहानी में कलाकारों के प्रदर्शन ने न सिर्फ जान फूंकी बल्कि कुश्ती के खेल से जीवन के बदलाव का नजरिया पेश किया। हम इस पुरस्कार के लिए तेहरान फिल्म फेस्टिवल के आभारी हैं। इससे पहले बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सुल्तान को स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और शंघाई फिल्म फेस्टिवल में भी फिल्म की खूब तारीफ हुई थी। साल 2016 में रिलीज हुई सुल्तान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ 45 लाख रुपए के लाइफ टाइम कलेक्शन किया है। ये फिल्म सलमान की उन 300 करोड़ क्लब की फिल्मों में शामिल है। सलमान ने इसके अलावा बजरंगी भाईजान और टाइगर जिंदा है से भी 300 करोड़ या उससे अधिक रुपए कमाए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए क्या सलमान खान की आने वाली फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी।